अब जैसे कि राम मंदिर बना है, राम मंदिर बनने पर कोई मुसलमान उसके अंदर किसी को भी संदेह नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो वहाँ मंदिर वो जगह में अयोध्या के अंदर मंदिर बनाना, वो जगह केंद्र जमीन पे जो है ना मंदिर बनाने का वो सुप्रीम कोर्ट जो है ना उसके वो एक अपना जजमेंट दिया है, वो हिसाब से बना रहे हैं वो उसके हमारे देश के कानून को हम सब लोग हम उसका कानून की कदर करना पड़ता है, वो कानून के तहत चलना पड़ता है। हम तो सभी मुसलमान भी, मेरे से लेकर मैं भी मुसलमान हूँ, हम सब मुसलमान भी हम हमारे देश के संविधान के मुताबिक ही हम चलेंगे। नमस्कार, सलाम अलैकुम। मैं अब्दुल लतीफ SM जागीरदार, विलेज फिरोजाबाद, तालुका जिला कलबुर्गी, कर्नाटक स्टेट। मैं सोशल मीडिया से आज के दिन में हमारे हिंदुस्तान के सभी भाई लोगों को ये संदेश सोशल मीडिया की वीडियो की तरफ से एक वीडियो में प्रकट कर रहा हूँ। ये सभी लोग जानते हैं, सभी लोग होशियार हैं, सब लोगों को थोड़ा जागृत करने के लिए मैं सोशल मीडिया से ये वीडियो पहुँचा रहा हूँ आप लोगों तक। मैं हिंदुस्तान के सभी बुज़ुर्गों से, बड़े बड़े अकलमंद लोगों से, हर धर्म के पंडित लोगों से, गुरु लोगों से, मौलवी लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि आज के हालात में हम कुछ बहकाने वाले पॉलिटिक्स चंद लोग बहकाऊ के बातें करते हैं, वैसे लोगों की बातों में आकर हम वो बहकाऊ में नहीं आना चाहिए। इसलिए हम सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आम लोगों के अंदर जो जिम्मेदार पंडित हैं, मौलवी हैं, गुरु लोग हैं, सभी के अंदर एक शांति का अमन पहुंचाना चाहिए। आजकल जो है ना ये पॉलिटिक्स जो सियासी लोग अपनी वोट के खातिर चंद लोग, सभी लोग नहीं, सभी लोग अच्छे हैं, चंद लोग ऐसे हैं लोगों के अंदर एक जात से दूसरे जात में झगड़ा पैदा करना, एक दूसरे में खराब होना, ये ऐसी बातें वो लोग करते हैं। हम वैसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तानी सभी लोग हम एक दूसरे के भाई भाई मन का, हर कास्ट में हर जात के लोग, किसी के अंदर हमारे अंदर भेदभाव नहीं है। हम सच्चाई में प्रैक्टिकल में देखेंगे तो हम भाई भाई हैं। देखिए, हम कहीं भी जाकर देखिए, मार्केट में देखिए, किसी गली मोहल्ले में जाकर देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मराठी जैन हर कास्ट के लोग अपने कोई भी एक दूसरे के नहीं, भाई भाई की तरह एक दूसरे की हमदर्दी करते हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे की मजबूरी में एक दूसरे के साथ देते हैं। किसी के बीमार है, दवाखाना नहीं है तो लोगों को दवाखाने में खुद के पैसे लेकर एक दूसरे कास्ट वाले उनके इलाज करते हैं। ये सब हमारे अंदर है, इसको हम कायम रखना चाहिए, वो लोगों के बहकाव में नहीं आना चाहिए। इसीलिए मैं ये संदेश वीडियो के थ्रू से मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। आप लोग भी जानते हैं कौन कैसे हैं, सच्चाई को जानते हैं, लेकिन फिर भी आज दिलाने के लिए मैं ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरी यही गुजारिश है कि ये लोगों के बहकाव में आकर हमको ऐसा नहीं चाहिए। चंद ऐसे लीडर हैं वो खाली वो मुसलमानों को ही टारगेट बनाते हैं, बार बार मुसलमानों का ले, मुस्लिम ऐसा है, वो है, ये है, लेकिन मुसलमान तो कुछ भी किए नहीं। खैर, कुछ शरारित लोग होंगे होंगे नहीं है बोलकर नहीं, वैसे लोग हैं तो वो एक अलग वो पर्सनली मामला है उसके बारे में। आम मुसलमान तो किसी के बारे में भेदभाव नहीं है। अब जैसे कि राम मंदिर बना है, राम मंदिर बनने पर कोई मुसलमान उसके अंदर किसी को भी संदेह नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो वहाँ मंदिर वो जगह में अयोध्या के अंदर मंदिर बनाना, वो जगह केंद्र जमीन पे जो है ना मंदिर बनाने का वो सुप्रीम कोर्ट जो है ना उसके वो एक अपना जजमेंट दिया है, वो हिसाब से बना रहे हैं वो उसके हमारे देश के कानून को हम सब लोग हम उसका कानून की कदर करना पड़ता है, वो कानून के तहत चलना पड़ता है। हम तो सभी मुसलमान भी, मेरे से लेकर मैं भी मुसलमान हूँ, हम सब मुसलमान भी हम हमारे देश के संविधान के मुताबिक ही हम चलेंगे। हम संविधान को छोड़कर जाएंगे, हम कानून के खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। और सभी लोगों से मुसलमानों से भी गुजारिश है कि हम सब संविधान का ख्याल करेंगे, हम सब कानून के हिसाब से चलेंगे। और मुसलमानों से एक मेरी गुजारिश है, कुछ लोग बोलते हैं उनके बातों में आप नाराज़ मत हो जाइए, बोलते हैं अपने नज़दीक वैसा ख्याल नहीं करना चाहिए।
और हम हर कास्ट के लोगों से मेरी गुजारिश है कि हर कास्ट के लोग एक दूसरे के भाई भाई बनकर ही रहे हैं, अभी भी हैं, आइंदा भी हम वैसा ही रहेंगे। ये पांच किस्से लोगों के बातों में आकर हम अपने देश का नुकसान नहीं करना चाहिए। हम आपस में लड़ेंगे तो क्या होगा, हमको ही नुकसान होगा, हमारे घरों में तकलीफ होंगी, हमारे बाल बच्चे परेशान होंगे, हमारे माँ बाप परेशान होंगे। झगड़ा होने से हर आदमी परेशान होता है, हिंसा होने से हर आदमी परेशान होता है, उससे किसी को फायदा नहीं होता, हर आदमी को नुकसान ही नुकसान, नुकसान ही नुकसान, किसी को फायदा नहीं है। इसलिए हम नुकसान का रास्ता नहीं रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। हम सबको अमन और शांति से हम शांति का संदेश ही पहुंचाना, हर जगह शांति फैलाना, शांति का ही काम करना चाहिए। शांति करने से भगवान खुश होता है। हम अशांति करेंगे, शांति भंग करें तो भगवान नाराज होता है। हम ऐसा नहीं करना चाहिए। शांति भंग करना, देश में आग लगाना, ये पाप का काम है। कुछ लोगों से मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़कर वो लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग पाप का काम मत कीजिए, अपने स्वार्थ के लिए पाप का काम मत कीजिए, पुण्य का काम कीजिए, आपके बच्चों को पुण्य मिलेगा। पाप का काम करने से, पाप का काम करने वाले को हमेशा भगवान, किसी को माफ़ नहीं किया, एक दिन वो लोगों को भगवान शिक्षा देने वाला है। इसलिए पाप का काम करने से डरे, पुण्य का काम करो आप, पुण्य का काम करने से आप श्रेष्ठ बनेंगे। इसलिए हम हमारे देश के सभी आम लोगों से, मासूम लोगों से मेरी गुजारिश है कि चंद लोग अपने पॉलिटिक्स, अपने सियासी, इसके लिए कुछ अपना बिजनेस बनाए हैं, वो कुछ प्रैक्टिस ट्रेनिंग लेते हैं, क्या करते हैं पता नहीं, वो एक सिस्टम ही से एक जात से दूसरे जात को झगड़ा लगाना, वोट हासिल करना। ऐसे लोगों के हम बातें आने की जरूरत नहीं है, उससे हमको क्या फायदा है। किसी को कौन सा लीडर कौन से कौम को पहुंचा, कौन से जात को फायदा पहुंचा है, देखिए हर आदमी अपने नज़दीक परेशान है। कई लोगों को हमारे देश में राशन कार्ड नहीं है, गरीब लोगों को राशन कार्ड नहीं है, लीडर ये वो, अब वो हम जात के लीडर बोलते हैं, उनको राशन कार्ड दिला नहीं सकते, सिर्फ अपने वोट के हद तक उन्होंने लड़े दे मरे दे, हमारी हमको कुर्सी मिला, ऐश आराम होना, अपने ऐश आराम के लिए, कुर्सी के लिए, हुकूमत करने के लिए ये सब धंधे करते हैं। इसीलिए मेरी सभी लोगों से गुजारिश है कि ऐसे बातों में, ऐसे लोगों के बातों में मत आइए। हम सारे देश के लोग, हमारे देश में जितने भी हम आम लोग हैं, हम सभी हिंदुस्तान की धरती माँ के बच्चे हैं, हम इस देश के धरती माँ के बच्चे हैं। हर जात के लोग हमारे हिंदुस्तान की धरती माँ के बच्चे हैं, यही धरती माँ के बच्चे एक दूसरे के भाई भाई हैं, हम भाई भाई बनकर रहेंगे, कोई दूसरा अलग नहीं है, सब हम एक ही माँ के बच्चे हैं, हम धरती माँ के हिंदुस्तानी धरती के धरती माँ के बच्चे हैं, हम धरती माँ के बच्चे ही बनकर बताएंगे, हम सब भाई भाई होंगे। ऐसे लोगों को हमको हमारे देश के सभी आम लोगों के, हर जात के लोगों से मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि ये जो झगड़ा लगाने वालों को हम सब एक होकर पूरे देश में अमन और शांति फैलाकर ये लोगों को एक सबक सिखाना चाहिए। हम कितना भी बहकाऊ करेंगे तो हमारे देश के लोग कितने अकलमंद, कितने होशियार हैं, कितनी इंसानियत है लोगों में, ये लोग शांति का पैगाम बनाकर देश को शांति बना कर रखे, वो लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे देश के लोग बहकाव में नहीं आएंगे, शांति को पसंद करते हैं, अशांति को पसंद नहीं करते। इसलिए हम शांति का संदेश करेंगे, शांति फैलाएंगे, हम सब मिलकर हमारे देश में शांति का झंडा लहराएंगे। झंडा, शांति का झंडा लहराने के लिए मैं हमारे देश के सभी बुजुर्गों से, बड़े बड़े अकलमंद लोगों से, बड़े बड़े लीडरों से, मैं और पंडितों से, गुरु लोगों से, मौलवी लोगों से, उस्तादों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि हर एक गुरु, पंडित, मौलवी, सभी लोग अपने अपने धर्म के लोगों को एक अमन और शांति का रहने के लिए, उनके उनके अंदर एक अमन और शांति का संदेश उनके दिल में, दिमाग में पैदा करें, हमारे देश को शांति बनाकर रखें। हम सब भाई भाई बनकर रहने के लिए, कोई जात का भेद किसी को नहीं होना चाहिए, किसी के अंदर भी नहीं है। कोई भी मुसलमान नहीं चाहते कि मंदिर नहीं होना, सभी लोग बोलते हैं कि मंदिर होना अच्छी बात है, अपने अपने धर्म से होना चाहिए।
मुसलमानों का ईमान यही है कि मुसलमानों का ईमान ये कहता है कि हर आदमी किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, दिल दुखाने का काम नहीं करना चाहिए। इसलिए मंदिर बने तो भी खुश हैं, मस्जिद बने तो भी खुश हैं। मुसलमान मस्जिद में अपने भगवान को याद करेंगे, मंदिर में मंदिर में जो है नहीं, और अपने अपने हिसाब से अपने अपने एक अलग अलग नाम का मंदिर बनाएंगे, वो लोग वहाँ पूजा पाठ करेंगे। हर आदमी को खुश रहना चाहिए, किसी को किसी के दिल में भेदभाव नहीं आना चाहिए। हम सब सबसे बड़ी बात है बोले तो हम सब सबसे पहले बोले तो हमारा सबका धर्म है क्या है, इंसानी धर्म है। इंसानी धर्म को हम जिंदा रख कर ही हमको जीवन करना चाहिए। अभी राम मंदिर का ओपनिंग के लिए राम मंदिर के कमेटी के लोग अगर किसी मुस्लिम मौलवी को या मुस्लिम के कोई लीडर को आह्वान करेंगे तो वो भी लोग ओपनिंग में जाकर शामिल होंगे, मुसलमान भी शामिल होंगे, खुशी से शामिल होंगे। अगर आह्वान करेंगे तो खुशी से दय दिल से शामिल होंगे, कोई ऐसा नहीं है। इसलिए मैं कुछ बहकाने वालों को गुजारिश करता हूँ, खाली किसी भी एक जात के ऊपर कोई टीका लगाना, एक जात को बदनाम करना, एक जात से दूसरे जात को में बहकाना, झगड़ा लगाना, ये पाप का मत कम की ये पाप का काम मत कीजिए। मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि सब लोगों को भाई भाई बनकर जीने दीजिए, सभी लोगों में अमन का बात कीजिए, अशांति मत फैलाइए। इसीलिए मैं बार बार ये संदेश बार बार मेरी ज़ुबान से निकल रहा है कि हमारे देश में हम भाई भाई बनकर रहेंगे, शांति से रहेंगे, अमन से रहेंगे। ये कहते हुए अभी एक बार मैं बार बार भी है, मैं और एक बार भी मैं यही कहूँगा, हमारे देश के सभी आम लोगों से मैं हाथ जोड़कर मैं गुजारिश करता हूँ कि देश के हर कास्ट के लोग हम भाई भाई बनकर रहेंगे, शांति और अमन से रहेंगे, एक दूसरे के खिलाफ ऐसा बहकाव नहीं करेंगे, बहकाव में नहीं आना चाहिए, वैसे लोगों की बातों में आकर हम नहीं बहकेंगे। हम सभी लोग भाई एक माँ के धरती, एक ही हिंदुस्तान की एक धरती माँ के बच्चे बनकर हम ये जो बहकाने वाले लोगों को हम बताएंगे, ये संदेश भेजेंगे हाँ क्या हम भाई भाई हैं, हमारे अंदर कोई कास्ट का भेद नहीं है। हम एक दूसरे, कोई बीमार है तो हम एक दूसरे का इलाज करते हैं, एक जगह बैठकर खाना खाते हैं। इसीलिए मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि हम सब भाई भाई बनकर रहेंगे, हम इंसानियत की जय जयकार करेंगे, हमारे देश का नाम हम ऊंचा करेंगे दुनिया में। हमारे देश में अगर शांति अमन से हर कास्ट के लोग भाई भाई बनकर रहेंगे तो हमारा देश का झंडा ऊंचा लहराएगा, हमारे देश का नाम सारी दुनिया में एक अच्छा संदेश जाएगा। इसीलिए ये कहते हुए मैं इंसानियत की जय जयकार, जय हिंद, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।